हेलो फ्रेंड्स, फिजिकल फिटनेस हमारे हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी ब्रेन के लिए भी जरूरी है। इस लॉकडाउन हम लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज कर पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसी 10 एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिससे आप बिना इक्विपमेंट घर बैठे एक्सरसाइज कर सकते हो। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, आप दोनों इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। और हाँ, बिगिनर के लिए स्पेशल टिप्स भी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप के अंदर सबसे पहले हम नेक एक्सरसाइज करेंगे। नेक एक्सरसाइज के अंदर आपको अपनी नेक को रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपको साइड बाय साइड बेंड करना है और फिर अप एंड डाउन। उसके बाद आपको लेफ्ट एंड राइट मूव करना है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको नेक की एक्सरसाइज एकदम स्लोली और स्मूथली करनी है। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है हैंड एंड शोल्डर का वार्म अप। इसके अंदर आपको अपने हाथों को धीरे धीरे फ्रंट की ओर रोटेट करना है एंड उसके बाद बैक साइड में। याद रखिए, आप जितना ज़्यादा स्लो करेंगे उतना ज़्यादा ये एक्सरसाइज इफेक्टिव होंगी। उसके बाद हमें अपनी बॉडी को साइड स्ट्रेच करना है और आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके उतना ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करें। वार्म अप हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमें स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ये हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें अपने टोज को टच करना है और जितना ज़्यादा हो सके अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो इसको ईजिली और जैसे जितना कम्फर्टेबल हो सके वैसे इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमें अल्टरनेटिव टोज टच करने हैं, जिसके अंदर आपको ऊपर जाते समय अपने हाथों की अंगुलियों की ओर देखना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है बैक का वार्म अप। इसके अंदर आपको अपने हाथों को स्ट्रेट रख के धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है, बट याद रखें आपकी बैक प्रॉपरली स्ट्रेट रहे, इससे आपको बैक में इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वह है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी नी का जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो और आपकी बैक जहाँ तक हो सके सीधी रखे। जो बिगिनर है वो इसमें स्टेयर या फिर स्टूल का सपोर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है लंजेस। लंजेस में याद रखें कि आपकी जो नी की पोजीशन है वो 90 डिग्री की हो। जो बिगिनर है वो इस एक्सरसाइज को स्टेयर पे भी कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज से जिनको नी में प्रॉब्लम है उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है काफ राइजेस। इसके अंदर आपको किसी स्टेयर या किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर अपना पूरा वेट टोज पर देना है और स्लोली स्लोली अप एंड डाउन होना है। जो बिगिनर है वो इस एक्सरसाइज को फ्लैट सरफेस पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है लेग की स्ट्रेचिंग। सभी लेग्स की एक्सरसाइज करने के बाद में आपको अपने लेग की स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे आपको पेन कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और सबसे अच्छी बात कि आपको स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे। आप जितना कंफर्टेबल हो सके इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पैरेलल बार डिप्स, जिसको हम वॉल के साथ करेंगे और यह बहुत ही इजी है। बस याद रखें बैक को स्ट्रेट रखें और आप वॉल से ज़्यादा दूर खड़े ना हो। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है वॉल पुशअप्स। ये चेस्ट और शोल्डर के लिए सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, आप इसको जितना हो सके मैक्सिमम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स। पुशअप्स के अंदर आपको अपनी बैक स्ट्रेट और एल्बो अंदर की तरफ रखनी है और याद रखें इसके अंदर आपको अपने चेस्ट को टच करना है, ना कि अपने टमी को। बिगिनर है वो इस एक्सरसाइज को नी के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मैट एक्सरसाइज करेंगे। मैट एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी पहली स्ट्रेचिंग है वो है क्रॉस टो टच। सेकंड जो हमारी स्ट्रेचिंग है वो है नी टू नोज टच।
और जितना हो सके आपको नीज को नोज पे टच करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सिटअप्स। सिटअप्स के अंदर आपको अपने लेग स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है और अपने टोज को टच करना है। जिन लोगों को बैक में पेन हो वो अपनी नीज को थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं, इससे ये एक्सरसाइज थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वह है लेग राइजेस। लेग राइजेस के अंदर आपको अपनी नी को स्ट्रेट रखते हुए लेग्स को अप एंड डाउन ले जाना है। बट याद रखिए फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आप जितना स्लोली करेंगे उतना ये इफेक्टिव रहेगी। जिनको यह एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है वो इस एक्सरसाइज को सिंगल लेग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक के अंदर आपका पोस्चर एकदम मेंटेन रहना चाहिए। इसके अंदर आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और प्लैंक को आप 30 सेकंड से स्टार्ट करते हुए 5 मिनट तक भी कर सकते हो, और जो बिगिनर है वो फुल प्लैंक भी कर सकते हैं। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही एक्सरसाइज के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।